सारण जिले के जलालपुर ब्लॉक के गमरिया कलाव फुटानी बाजार स्थित तालाब पर अनोखा दुर्गा पंडाल बना गया है। यहां कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन की तर्ज पर दुर्गा पूजा का मनमोहक पंडाल बनाया गया। इस पंडाल के जरिए कोरोना के प्रति जागरूकता को दूर दराज के गांव-गांव तक फैला गया है। कोविड की तर्ज पर बनाए गए पंडाल से सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पंडाल की आकर्षक थीम को देखकर महाराष्ट्र से आई नूपुर निधि नाम की श्रद्धालु भी काफी प्रभावित नजर आई। जी, हम महाराष्ट्र के नेत्र गांव से आए हैं। यहाँ पर जो बना है पंडाल वो बहुत अच्छा है। कोविड-19 का बहुत ही अति दर्शनीय है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए। यहाँ पर जो बना है पंडाल बहुत अच्छा है। और यहाँ क्या सीख क्या मिली है आपको? यहाँ पर ये सीख मिली है कि लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कोविड-19 के प्रति और भ्रम दूर मटाने के लिए। किस प्रकार का पंडाल बना है आपको? कोविड-19 का पंडाल बना है जो कि बहुत ही अच्छा है। हमको बहुत अच्छा लगा। वैक्सीन लेके जागरूकता के लिए बना है पंडाल। आप सभी भी आए यहाँ देखिए और हमको भी देखकर अच्छा लगा। वहीं पूजा पंडाल के आयोजक रवि रंजन कुमार ने बताया कि कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। वो सोच रहे थे कि एक ही टीका लेने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। उनको ये पंडाल प्रेरित कर रहा है कि नहीं, आप दोनों टीका लीजिए। दोनों टीका लेने से वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा और आगे इससे भी अधिक छूट मिलेगी। ये जो कोरोना वायरस है भारत से पूर्णतः खत्म हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो थोड़ा लक्षण के साथ रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वैश्विक कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को उथल पुथल कर दिया। पूरे इमरजेंसी हालात जैसे हो गए थे, लेकिन ये कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो संकट मोचन के रूप में उभरा और भारत जैसे घनी देश के आबादी वाले देश में ये दूसरे देशों की अपेक्षा कम जान माल की क्षति हुई और इसी के कारण हम लोग प्रेरित होकर इस कोरोना वैक्सीन पंडाल का इस थीम पर बनाए और काफी सक्सेस हुआ। वहीं कोविड-19 टीकाकरण को थीम बनाने वाले छोटे लाल कुमार सुमन ने जागरूकता फैलाने को अपना मकसद बताया है। सुमन ने कहा कि गांव के लोगों को कोरोना टीका लेने के लिए प्रेरित करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मेला देखने के लिए पहले गांव से शहर की तरफ जाते थे, लेकिन उनकी कोशिश है कि दुर्गा पूजा देखने के लिए लोग शहर से गांव की तरफ आएं। टीम आपको दिखता होगा बोल के, आपको दिख रहा है कोविड-19 के ऊपर में हम लोग बनाए हैं बोल के, इसको वैक्सीन के ऊपर में बनाए हैं। और हम लोग इसलिए बनाए हैं कि ताकि इस वैक्सीन कोरोना पंडाल के वजह से लोगों को में जागरूकता हो बोल के। जागरूकता का कारण यानी बहुत सारे लोग थे कि इससे डर रहे थे कि वैक्सीन लेने से कोई सी प्रॉब्लम आएगी, कोई मतलब बहुत सारे ऐसी बीमारियाँ चालू हो जाएगी, इंसान की मतलब जनसंख्या कम हो जाएगा। और जिनको जानकारी नहीं था, हम लोग गांव खेरे में रहने वाले आदमी हैं, इसके कारण हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वैक्सीन के अपना पंडाल बनाए बोल के कि ताकि इससे जागरूकता फैले बोल के। और लोग एक एक जो टीका लिए हैं या जो नहीं लिए हैं वो ले और वो दूसरा भी ले और एक दूसरे को बताए बोल के कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके कारण हम लोगों ने इस बार अपना इसके पहले भी किसी तरह का पंडाल आपको नहीं, इसके पहले हम लोग तो 2020 में यानी 20 में तो नहीं बना था, प्रशासन ने इजाज़त नहीं दिया। 2019 में हम लोग एक 275 फीट हाइट का हम लोगों ने मगरमच्छ बनाए थे ताकि मतलब जल जीवन है जो कि उसको पर्यावरण संरक्षण को रोका जाए। और बहुत सारा इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो देहात के लोगों को जानकारी नहीं थी, कभी देखे नहीं थे, वो हम लोगों ने पंडाल के माध्यम से लोगों को जागरूक किए बोल के। और ऐसा आने वाले दिन में ऐसे ही कुछ ऐसा बनाते रहेंगे जो हमारे यहाँ से जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है यानी 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, हम लोग यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। हम लोग का प्रयास ये रहेगी कि वहाँ के लोग हमारे पास देखने के लिए आए और हम कोई शहर वाले से कम नहीं है और हमारा गाँव ही जाके शहर को बसाती है, कोई शहर आके गाँव को नहीं बसाता है। इसके कारण हम लोगों ने अपने जागरूकता फैलाने के लिए अपने छोटे से गाँव में हम लोग तरह तरह की पंडाल और तरह तरह की हर चीजों की आयोजन करते रहेंगे। वाकई में कोविड वैक्सीन के मॉडल पर बने इस पंडाल ने पूरे शहर में सुर्खियां बटोरी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत की रिपोर्ट।